सबसे पहले असंगठित मजदूर कल्याण समिति के माध्यम से नरेगा जागरूकता प्रोग्राम में तो उन लोग का स्वागत करते हैं और हम बतावल ये चाहत हैं कुछ नया ना बताए जवन तो उन लोग पहले से जानत हो आ पहले से चलत आवत है जो नियम कानून पहले से अब हम उहे बताए तो हम ये आए लें एक खातिर के कि जितना नरेगा के मजदूर हूँ वहाँ उनकी सामाजिक सुरक्षा खातिर के नरेगा रोजगार गारंटी कानून के माध्यम से एक साल में सब नरेगा मजदूरन के 100 दिन का काम मिलेगा। ओकरे बाद 90 दिन का 100 दिन का जितना दिन जे काम करी ओकर हाजिरी लगेगा। ये जरूरी है काम भैला के 15 दिन के अंदर में तोके पैसा मिले के आवे। ये सब नियम हवे। काम मंगलू अगर 15 दिन में काम ना मिलत है तो ओकर बेरोजगारी भत्ता मिली। ये सब नियम हवे। सरकार का मानसिकता हवे कि जितना SC ST OBC कमजोर और मजदूर तबके के लोग हुआ उनका आय बढ़ावल नरेगा के माध्यम से खाली आय बढ़ावे का एक बहाना आवे ना कि ऐसे तू बिल्डिंग बनावे का ऐसे कोनो प्रोग्राम ना आए। गाँव में गरीब मजदूर रहत हुआ तो फोकट का तो पैसा दे ही नहीं तो सरकार ऐसे सोच ले कि इनसे कुछ करा के पैसा दे तो इनका मान सम्मान ऊँचा रहे। तो एकरे खातिर के नरेगा रोजगार गारंटी कानून चलल हवे ताकि सबके जेबा में कुछ न कुछ आवे। तो हम अभी जानल चाहते हैं कि इनमें के जॉब कार्ड धारक है। हाथ उठा दा लो सबका जॉब कार्ड धारक है। हाथ उठा लो ना आवे। अच्छा ठीक है जेकर ना हवे ओकर बन जाए। हमार बात है पतो ये कत नहीं। अच्छा ठीक हवे जेकर ना हवे ओकर बन जी ओकर नियम ही हवे कि कोनो भी गांव का अगर कोनो महिला हो या पुरुष हो जेकर उम्र 18 साल से ऊपर हवे अगर वो नरेगा में काम करे खातिन के अपन जॉब कार्ड बनवावल चाहत है तो ओकर जॉब कार्ड आसानी से बन जाए। हम अपने से बना के ना बतावत हैं ये नियम है। अगर कोनो लोग में से कोई का ना आवे तो वो बन जाए आराम से। ठीक है तो इमे इतना लोग रहला लोग जॉब कार्ड धारक तो इमे 100 दिन का क्या क्या रोजगार मिलेगा। 100 दिन का रोजगार कोई के ना मिलेगा। 80 दिन 60 दिन अरे भाई ये बहुत दिन ना ऐसा तो ना हो सके कि एक बहुत दिन। अच्छा 3 दिन नारा में काम भर अरे साल 100 दिन गिनल जाला। ठीक है हर साल सर तो सबसे पहले तो नरेगा में तो उन लोग का 100 दिन का काम ना मिले। अच्छा जो दिन मिले ला वो जॉब कार्ड पे हाजिरी लगे ला। अच्छा जॉब कार्ड पे हाजिरी ना लगे ला। अच्छा तो जॉब कार्ड पे जब हाजिरी ना लगे ला तो अभी सोचा लो कि मुख्यमंत्री योजना के तहत एक नई स्कीम आये ला कि जेकरे जेकरे जॉब कार्ड पे हाजिरी रही ओके पेंशन और आवास मिले। अब सोचा लोग कि जब जॉब कार्ड पे हाजिरी ही नहीं है तब तो उन लोग के जो योजना है ओकर का लाभ मिले। ठीक है दूसरा नियम सरकार का ही है कि जितना नरेगा मजदूर उनका मजदूर हो हूँ वो नरेगा मजदूरन का श्रम विभाग में भी रजिस्ट्रेशन होला। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होला तो उनमें 5,25,000 का बीमा आवे। 17 को योजना वह में आवास बीमा पेंशन शादी अनुदान चिकित्सा सुविधा वगैरह वगैरह वह में बहुत कुछ है लेकिन मिली कैसे जब तक तोरे जॉब कार्ड पे हाजिरी ना रही तब तक कोनो योजना का लाभ ना मिले। तो तनी मनी से ना मतलब एक साल में कम से कम 90 दिन चाहिए जब तक जॉब कार्ड पे हाजिरी ना लगी ना तो उन लोग का सरकार का पेंशन और आवास के स्कीम वो मिल ली आ न ही श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हुई आ न रजिस्ट्रेशन हुई आ न तो के कोनो योजना का लाभ मिले। जॉब कार्ड का 300 रुपया नहीं है बहुत पैसा ना लगी तो उन लोग तैयार होते लोग कुल चीज हो जाए तो उन लोग खाली संग देवे के है अपन हक अधिकार जाने के है ओकरे खातिर के जागरूक रहे के है ओकरे खातिर तत्पर रहो लोग कोनो कोई ना एक रुपया कोई मारी आ ना कोनो दिक्कत। हर गांव में 150 से लेकर के 500-700 और रेवतीपुर जैसा गांव में 2300-2400 नरेगा मजदूर हूँ और तोहरे गांव में भी कम से कम 350-400 के लगभग नरेगा मजदूर हुए। तो अब ये बताओ लोग कि इतना आदमी रहने के बावजूद भी
तो उन लोग का काम ना हो, ये दोष के कर तो उन लोग का दोष ऐसे तो उन लोग का है कि 400 आदमी का एक ही समस्या है या 400 आदमी मिल के अपन समस्या दूर ना कर पावत हुआ तो एक आदमी का समस्या कैसे दूर है। सब कुछ हो तो हम लोग तैयार तो हो था हाँ तो तुम लोग तैयार रहा। अगर तुम लोग के काम चाहिए तो सब लोग अपन नाम अपने आदमी का नाम चाहे बाबू का नाम आ जॉब कार्ड संख्या आ मोबाइल नंबर एगो पर्ची काम हम कोनो बहाना जो चले रहे कि नहीं बरसात चलत है धान रोपा गेहूँ ना कटा लगे तो भाई काम ना हो सब कोनो बहाना नहीं है। आप लोग काम मांगिए आपको काम मिलेगा ठीक ये नियम है सरकार का। भैया वो अपन बस्ती में का करना ना कि काम ना कर दे मेहरान के कूलर की काट पा दी ज्यादा के पैसा उतार लिया उनके दे दिया 100 200 400 आ के ले ले आ वो कमा हम में चाहे ना हम मान में ना पड़े हम मान में ना पड़े ये पानी को ना अरे को जना वो बस्ती में आ जाना अरे ठीक हवे अब हम कोई काम सिखवा शिकायत ना करते ना करे के हमरी की जानकारी हमके बस खाली अब बाले तोरे के आना हर जगह वो आ और जाना सब कुछ जाना थवे कि अक्सर करके नरेगा में मेहरारू काम कर ली अनपढ़ गंवार रह ली आए कमजोर रह ली गरीब रह ली वो कुछ जानत तो है नहीं कहाँ जाए कैसे मिले का शिकायत कर तो ये हमार करी का ली ऐसे मनवा बढ़त चल जाला तो जौन मन के तौन करत रहे आ तो उन लोग खाली खड़ा हो जाए वो लोग न तो कोई का हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ कर सके तो उन लोग खाली अपन हक अधिकार के प्रति जागरूक होखा लो तत्पर होखा लो काम भी मिली समय से पैसा भी मिली जॉब कार्ड पे हाजिरी भी लगी आ सब नरेगा मजदूरन का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होला वो रजिस्ट्रेशन भी हुई आ जितना योजना है वो लाभ भी मिली। अब अभी तक तो ये होत रहा कि सब गांव में रहत है कमजोर है गरीब है अनपढ़ है ये पता ना रहा कि हम अपन बीमारी अपन समस्या कैसे कही लेकिन असंगठित मजदूर कल्याण समिति के माध्यम से हम जो प्रोग्राम चलाए थे एम में तुहार यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जो मन को बात करते हैं ये पूरा देश देखिए वीडियो भी देखिए सीडियो भी देखिए डीएम भी देखिए आ जहाँ से तुम लोग के बीमारी का स्टार्ट हुए वो देखिए तो अब हमारे माध्यम से समिति के माध्यम से तुम लोग का हालचाल सब जानत है ठीक ना तो तुम लोग के खाली तत्पर रहे के अवे कि अपन हक अधिकार लेवे के तो तुम लोग लेवे के तैयार रहा कोनो दिक्कत ना होई इतना हमन कहे जे सब ओमे काम करेला हम ओ कर ले हम कर ले ठीक हवे तो ओके करा लो आ कोनो दिक्कत ना होई ले 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 जे बरखा पड़ी त दूध रख के करा के बन कदी तो ओना मन जे करो ना हुड़ रही त करब ना खाली गांव में कहरा भाई हुड़ रही में नरेगा मजदूर में करावे के सबके जे जॉब कार्ड बनवा ले ले जे काम करल चाहत हवे वो सबके काम मिले के कोई के चीन के ना है क्या मिले था भैया माने के खाली सब है चीन के काम मिले के सबके मिले के जॉब कार्ड बुद्धि ना तो जे भी जॉब कार्ड बनवावत हवे वो काम करे खातिर नहीं बनवावत तो ओके काम मिले। फिर से अभी हम ही कहत है कि ये तो उन लोग का समस्या सब जाने के चाहिए ना तो एक अमन को सोशल मीडिया पे चढ़ा दे जाए कोई दिक्कत नहीं है ना ताकि तो उन लोग के जो बीमारी है समस्या है सब जाने। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। राजेश कुमार हेल्पिंग ब्लॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आप लोगों को अपने वादे के मुताबिक फिर मैं आपको एक नई जगह लेकर आया हूँ आपको मिलवा रहा हूँ गाजीपुर जनपद के चौराही ग्राम सभा के लोगों से और आप देख सकते हैं कि इन लोगों की क्या समस्याएं थे। हर जगह की एक ही समस्या है एक ही दर्द एक ही पीड़ा है। हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि इन लोगों की समस्याओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो। धन्यवाद।